पापा पापा वो मैंने ना ये कुछ कॉलेजेस के नाम शॉर्टलिस्ट करे थे, अभी एडमिशन्स ओपन होने वाले हैं, एक बार आप देख लेंगे? अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं मैच देख रहा हूँ। पापा बस 2 ही मिनट लगेंगे, प्लीज़ एक बार देख लीजिए ना। तेरे को बोला ना मैंने कि मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में देखूंगा। और हाँ सुन, जाके बाजार से वो समोसे और पकौड़े लेके आया, तेरी बहन आज ससुराल से घर आ रही है, जा रहा। अरे आदि कैसा है तू? पापा। अरे आओ बेटा, बैठो बैठो बैठो, आओ। हाँ देख, इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है। हाँ ये तो ठीक है पापा, पर आदि को क्या हुआ? वो इतना परेशान क्यों था? अरे छोड़ना उसको, आजकल बड़ा अजीब सा बिहेव कर रहा है वो, पता नहीं क्या हो गया उसको। और हाँ देख, मैंने तेरे लिए समोसे और पकौड़े मंगवाए, हम दोनों बैठ के समोसे पकौड़े और चाय पियेंगे और मैच देखेंगे। देख कितना समय चल रहा है, देख 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 ये देख चक्का मारा था, देख। पापा पापा ये मेरे एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड है, इस पे आपका साइन चाहिए। अभी मेरे पास टाइम नहीं, ऑफिस के लिए जल्दी है, बाद में देखूंगा। पापा ये अर्जेंट है थोड़ा। पापा पापा आदि आदि क्यों रो रहा है? सब कुछ बदल गया दीदी, माँ के जाने के बाद से मेरे लिए सब कुछ बहुत डिफिकल्ट हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई है ही नहीं। आप ससुराल, पापा ऑफिस, ना मेरे कोई दोस्त हैं, बहुत अकेला पड़ गया हूँ। और इतने दिन हो गए मैं पापा से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर उनके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। चिंता मत कर, तू अकेला नहीं है, मैं हूँ तेरे साथ। पापा से मैं बात करती हूँ। पापा। हाँ बोलो बेटा। आप आदि के साथ जो भी कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे हैं, आप उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। क्या मैं ध्यान नहीं दे रहा? अरे उसकी फीस भर रहा हूँ, उसको जो चीज चाहिए उसको लाके देता हूँ, और क्या चाहिए? पापा शायद आप मेरी बात समझे नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। दो पौधे, दोनों को धूप मिल रहा है, पानी मिल रहा है, पर एक पौधा है जिसे प्यार मिल रहा है, केयर मिल रही है, और दूसरा पौधा है जिसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा, उसे यूं ही छोड़ दिया है। तो बताइए दूसरे पौधे के साथ क्या होगा? शायद जो पौधा ध्यान से नहीं पाला गया वो बड़ा नहीं होगा, या फिर सूख जाएगा, मुरझा जाएगा। जी बस मैं यही समझाना चाह रही हूँ, आदि वही पौधा है जिस पर ना ध्यान दिया जा रहा है, जिसकी ना फीलिंग्स और इमोशंस की कदर की जा रही है, बस उसकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। फीस भर दी, उसने कुछ मांगा तो बुला दिया, पर अब ध्यान कहाँ दे रहे हैं उसे? पापा आदि को आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। शायद तुम ठीक कह रही हो बेटा, मैं अपने काम में और अपने आप में इतना व्यस्त रहा कि मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाया। पापा माँ के जाने के बाद से वो बिल्कुल अकेला हो गया, उसे आपकी बहुत ज़रूरत है। मैं आदि से बात करता हूँ। आदि। जी पापा। बेटा मैं अपने काम में और अपने आप में इतना व्यस्त रहा कि मैं तेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे पाया, मुझे बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा कि तुझे मेरी भी जरूरत है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा, मुझे माफ कर देना, पर आज के बाद मैं ये वादा करता हूँ कि मैं तेरी हर बात सुनूंगा
और एक बाप के साथ साथ माँ और दोस्त दोनों का फर्ज निभाऊंगा। If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.